हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज मैं आलमंड एंड कैश्यू ट्राई कलर कुकीज़ बनाने जा रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो देखिए, मैंने यहाँ एक बाउल लिया है, उसमें 100 ग्राम मैदा, 1/2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, पिंच ऑफ सॉल्ट, और ये मैंने 10 बादाम और 10 काजू को बारीक ग्राइंड कर लिया है। ये 5 चम्मच पाउडर शुगर, अब मैं इन सब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी, और साथ में 3 छोटी इलायची को बारीक कूट करके ले लिया था। 1 कप मैं रिफाइंड ऑयल यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो बटर का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, बटर से अच्छा कुकीज बनता है। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं हाथ से एक अच्छा डो बना लूँगी। डो बनाने के लिए ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, डो तैयार है। अब मैं इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दूंगी। अब मैं फूड कलर का यूज करके एक में ऑरेंज कलर और एक में ग्रीन कलर डाल के थोड़ा सा इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। देखिए, ऑरेंज कलर का डो रेडी हो गया है। इसी तरह से ग्रीन कलर को भी अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। देखिए, हमारा ट्राई कलर डो तैयार हो गया है। अब मैं कुकीज का शेप तैयार करूंगी। कुकीज तैयार करने से पहले अवन को 180 डिग्री पे प्री हीट करने के लिए छोड़ देते हैं। अब मैं सारे डो से राउंड शेप का कुकीज तैयार कर लूँगी। ऐसे हल्के हाथों से प्रेस कर दें। तो देखिए, हमारे सारे कुकीज रेडी हो गए हैं और ओवन भी गर्म हो गया है, तो चलिए इन्हें बेक करते हैं। देखिए, मैंने एक बेकिंग ट्रे लिया है, ये राउंड शेप का है, इस पर मैंने थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड किया है। अब मैं इसमें एक एक करके कुकी रखूँगी, कुकीज के बीच में थोड़ा गैप करके रखें। ये छोटा ट्रे है, इसलिए मैं 2 बार करके बेक करूंगी। तो इसे मैं 180 डिग्री पे 20 मिनट्स के लिए बेक करने के लिए टाइमर लगा दूंगी। 15 मिनट के बाद फिर से कुकीज को चेक कर लें कि ठीक से बेक हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ है तो 5 मिनट और टाइम बढ़ा दें। तो देखिए, हमारे ट्राई कलर कुकीज रेडी हो गए हैं, बहुत अच्छी तरह से बेक हुए हैं। अब मैं इन्हें ठंडा होने के लिए प्लेट में निकाल दूंगी, उसके बाद सर्व करूंगी। तो ये देखिए, 75th इंडिपेंडेंस डे स्पेशल ट्राई कलर कुकीज रेडी है, और मैं इसे कुछ इस तरह से डेकोरेट करूँगी। इसके बाद मैं इस पर हल्का पाउडर शुगर स्प्रिंकल करूँगी, इससे बच्चों को ज़्यादा पसंद आएगा।
तो आज आप इसे अपने घर पे बनाएं और अपने बच्चों को खिलाएं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।